तो मैं थोड़ा थोड़ा कार्डियो कर लेता हूँ जिम आके या मेरी ऐप्स की ट्रेनिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरी जैसे मैंने बताया हुआ मेरी यहाँ से सर्वाइकल आ, स्लिप डिस्क है तो यहाँ से कोई वेन आ रही है जो मेरे हाथ में पूरे झंझनाट रखती है और मैं भाई पाँच किलो का भी डंबल लिफ्ट नहीं कर पाता हूँ तो भाई बहुत सारे भाई पूछने भैया तूंद तो निकली हुई है हमारी भी निकल निकल गई सत्तू पाउडर भी पी के हमने इंस्टाग्राम पे देखा कि सत्तू पाउडर पीने से बॉडी बन जाती है तो मैंने कहा यार सप्लीमेंट वप्लीमेंट का खर्चा हटाओ वैसी मिडिल क्लास लोग हैं पॉकेट मनी बनती नहीं हम सत्तू पाउडर पीते रहे बाद में किसी समझदार आदमी ने बताया भाई वो तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है प्रोटीन का नहीं है तो बाद में देखा हमने कि भैया हमारी तोंद निकल गई तो तोंद को कम करने के लिए जितने भाई हमारे फिट रहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते बहुत ज़्यादा मसल नहीं चाहते थोड़े बहुत ऐप्स चाहते हैं या अपना टमी फ्लैट चाहते वो हैं वो क्या वर्कआउट करें वो आज एक्सप्लेन करेंगे आपको तो आपने क्या करना है तीस से चालीस मिनट कार्डियो कर लेना है एम स्टमक उसके बाद जो वर्कआउट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टाइगर भाई के साथ करेंगे टाइगर भाई करवाएंगे हमारा ऐप्स वर्कआउट वो आप भी अपने वर्कआउट में ऐड कर लेना मैं भी कर लेता हूँ अब क्योंकि फेब्ररी से ही वर्कआउट शुरू करूँगा क्योंकि बाइक इंजरी विंजरी इतनी और ऊपर से देसी घबरू में हम इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो टाइम मिल नहीं पा रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा और रेस्ट लेके अच्छे से फेब्ररी से ही शुरू करेंगे तो पूरा मसल हमारा खराब ना हो ताकि हमें ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा मैं कर लेता हूँ तो आइए फटाफट से करते हैं पाँच से छः वर्कआउट हमारे ऐप्स के लिए लचको टाइगर भाई राम 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 भाई और एज यूजल हमने आज भी टाइगर भाई को लेट करवा दिया परेशान कर दिया रात में टाइगर भाई ऐसे भाग रहे थे और मैं ऐसे भाग रहा था कि टाइगर भाई मिल जाए और ऐसे टकरा गए मैंने टाइगर भाई दल लिए मैंने वर्कआउट वो आदमी है जो सिर्फ परेशान करने को आवा मुझे रात के दस बजे के बाद स्पेशल बजे जिम बंद जाता। स्पेशल पर्सनल अटेंशन मांगते हैं आफ्टर टेन ओ क्लॉक अब बज रहे इलेवन ओ क्लॉक तो दस बजे से बैठा हुआ है मैंने भाई कर ले कर ले करा थोड़ा टाइम और थोड़ा टाइम और क्यों ना देख रहा गरीब से सुबह के रहा हुआ भूखा प्यासा हो यार तो भाई क्विक वर्कआउट करेंगे ऐप्स का बहुत जल्दी आधे से पौने घंटे में निपटा देंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे एक्सरसाइज कैसे कैसे करेंगे पहले करते हैं बेसिक ट्रेनिंग ना क्योंकि ऐसा ना होता डायरेक्ट ही बंदा जो बिगनर रहते हैं डायरेक्टली एकदम एप बोर्ड पर लटा देता है ट्रेनर अच्छा किसी का वेट ज्यादा है उसने क्रंचीस मारे लेगरेस मारे उनकी इंजरी हो जाती है लो बैक ना तो हम शुरुआत करेंगे अपने फ्लोरिंग ट्रेनिंग से फ्लोर पर हम किस तरह के एप्स कर सकते हैं खासकर बिगनर लोगों के लिए जो काफ़ी बल्कि है और जिनको क्रंचीस मारने में खास कर दिक्कत होती हाँ। है और लेग रेस मारने में दिक्कत होती है मैट लेके राजू और अपने टमी एरिया को स्टमक को अपने को मेंटेन करने में भी कर सकते हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हाँ? और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग कभी भी अपना एप्स का वर्कआउट कभी भी शुरू कर रहे हो नई जिम में जाके तो इस ट्रेनिंग से एटलीस्ट लीस्ट एक दो तीन हफ्ते यही ट्रेनिंग करें देन उसके बाद अपना किसी भी तरह की बेंच की स्पेशल ट्रेनिंग होती है आपका ट्रेनर जो भी बताए वो शुरू करें इससे एटलीस्ट आपका बेस बन जाएगा जैसे कि मैं बेस बना रहा हूँ फेब्ररी से वर्कआउट शुरू करूंगा तो अभी थोड़ा सा बेस बना के थोड़ा -थोड़े, थोड़े थोड़े डम्बल थोड़े थोड़े ऐप्स करता रहूंगा तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी दोबारा से बॉडी को रिगेन करने में मैं... तो भाई एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भैया क्या क्रिएटिन को हम कटिंग में यूज कर सकते हैं तो भाई क्रेटिन को मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो आप यूज कर ही सकते हो चाहे आप गेन कर रहे हो चाहे आप कटिंग कर रहे हो इसको आप दोनों चीज़ में यूज़ कर सकते हो जैसे कि मुझे भी गेन करना नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत गेन हो चुका हूँ स्टिल मैं इसमें अपना शेकर में थोड़ा सा क्रिटिन डाल के ले लेता हूँ देखो आधा यूज़ किया हुआ है कभी किसी को लगे क्यों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जब हम रेस्ट पर चल रहे हैं और हमारी हमें पता है कि मसल स्ट्रेंथ लॉस हो सकती है तो जब हम वर्कआउट शुरू करेंगे दो महीने से मेरा छुटा हुआ है अब जब शुरू करेंगे एक महीने के बाद एक महीने बाद नहीं मतलब पंद्रह दिन बाद तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो स्ट्रेंथ है पिछली वो मुझे दो से तीन महीने लगे वापस लाने में तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत लिफ्ट कर लेता हूँ बीच बीच में एक आध दिन और अपना क्रिएटिन ऐड कर लेता हूँ अपना दिन में दो बार एक बार सुबह एक बार शाम और ये जो क्रिएटिन है डॉक्टर चॉइस का फ्लेवर्ड क्रिएटिन है तो इसको आप कभी भी ले सकते हो पूरे दिन में ये नहीं है कि आपको प्रोटीन में ही डाल के लेना या वर्कआउट से पहले लेना या वर्कआउट के बाद ही लेना अब आधे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती है तो एक रूटीन तो पानी बढ़ाता है बॉडी में पानी बॉडी में नहीं मसल्स में हमारे वाटर जाके स्टोर होता है जिससे कि हमारी मसल्स जल्दी जल्दी गेन होना शुरू होती है और हमारा वेट लिफ्टिंग में हमें हेल्प मिलती है मसल में पानी भरना और मसल और स्किन के बीच में पानी भरने में डिफरेंस है फैट जब बढ़ता है जब हमारी स्किन और मसल के बीच में पानी बढ़ जाता है हमारी स्किन बहुत मोटी हो जाती है वो फैट बनाता है ये नहीं बनाता तो इसको आप गर, गर तो इसको आप गेनिंग में भी ले सकते हो कटिंग में भी ले सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बहुत सारे भाई कहते हैं भैया एटीपी लेवल बढ़ाता है जो एम्प बढ़ाता है जो आपने स्टोरी बताई थी उसमें आपने कहा वो इंजेक्शन एटीपी लेवल बढ़ाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है उससे हार्ट अटैक आ जाता है ये भी एटीपी लेवल बढ़ाता है तो ये वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है आप अगर अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाओगे तो उसके अंदर एक हमारा क्रिएटिंग सीरम भी आता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं एंड दिस इज हंड्रेड नेचुरल वो केमिकल है वो ड्रग है तो ए लेवल दोनों बढ़ा रहे हैं बट वो ड्रग बढ़ा रहा है और ये नेचुरल चीज़ बढ़ा रही है तो दोनों में बहुत डिफरेंस है हंड्रेड परसेंट सेफ़ टू कंज्यूम है पानी कितना पीना जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तीन से चार लीटर पानी हर दिन आपको पीना है जिससे कि किडनी फिल्ट्रेशन रेट आपका अच्छा रहे और क्रिटिन भी आपकी मसल को लगता रहे किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम देगी फ्यूचर में जाके जब आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर लेते हो ओवर यूज़ करोगे चाहे पानी है चाहे देसी घी है चाहे दूध है चाहे नमक है कोई भी चीज़ आप ओवर यूज़ करोगे तो कोई भी नुकसान देगी नेचुरल चीज़ भी तो इसको आप लोगों लेना कितने दिन है तीन से चार महीने आप इसको ले सकते हो फिर एक एक महीने का पंद्रह दिन का रेस्ट देके फिर आप इसको शुरू कर सकते होंड्रेड परसेंट नेचुरल है कोई साइड इफेक्ट नहीं है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हो बड़ी सर्विंग भी है छोटी सर्विंग भी है फ्लेवर्ड क्रिएटिन है बहुत सारे जो क्रिएटिन होते हैं हमारे ज़्यादातर क्रिएटिन अनफ्लेवर्ड आते हैं तो उनको पीने में मज़ा नहीं आता या तो उसके साथ कोई फ्लेवर चाहिए ग्लूकोन चाहिए तो इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है तो आप इसको किसी भी तरह कभी भी पी सकते हो पूरे दिन में डोजेज क्या रहेगी डोजेज क्या रहेगी शुरू के आठ नौ दिन इसकी एक स्कूप पूरे दिन में कभी भी और आठ दस दिन के बाद पूरे दिन में दो स्कूप कभी भी सुबह शाम या दोपहर रात कभी भी ले सकते हो और भैया हवा में बात हम करते नहीं बहुत सारे भाई कहते भैया आजकल लैब रिपोर्ट बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूरोपियन से सर्टिफाइड है ऑथराइज है आ, हमारा क्रेटिन की लैब रिपोर्ट आपको दिख रही होगी तो हंड्रेड हर तरफ से सेफ से है टू कंज्यूम डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके आप इसको बाय कर सकते हो अब चलिए फटाफट से हमारा थोड़ा सा वर्कआउट करें बच्चा कुच्चा जो हमारा ग्रेटिन इसको भी खत्म करें एंड लक्ष को नॉर्मल से आपको फ्लोर पे मैट बिछाना आपके जिम में जो भी फैसिलिटी हो मैट की उस पर आपने लेट जाना नॉर्मल अपना जो भी आप जो भी आपका तरीका लेटने का लेट भाई तो सबसे पहले हम ट्रेंड करेंगे अपना लोअर एपडो ठीक है तो लोअर एपडो में करने के लिए थोड़ा सा राज भी पीछे हो ठीक है अपनी बॉडी के पास अपने हाथ रख अपने ग्रूट्स के पास भाई सॉरी मैंने आपसे एक चीज छुपाई क्या मैंने आपको बिना बताए सत्तू पाउडर पी लिया बहुत दिनों में तोड़ निकल गए फिर मैंने आपकी वीडियो देखी सत्तू पाउडर नहीं है सत्तू चमत्कार है एक जादू है समझ रहे हो जो दुनिया के ऊपर चढ़ चढ़ चुका चुका है है तो ये जादू हम, हमारे मेरे पे भी चढ़ गया भाई देखो तोड़ निकल आई ना भाई ये जादू किसी की सीखो आता है और ये जादू बंतर अपने बस की नहीं है नाम को ये जादू मैंने कहा मेरा माल भी बंदा है प्रोटीन भी बंदा है तो मैंने कहा थोड़े दिन सत्तू पाउडर पी लू सही तो है जैसे ही प्रिय एकदम निकलिए नहीं बढ़िया है यार सत्तू अच्छी चीज है क्या करना आप चलो देखो मैं बता दू पहले तो उन भाइयों के लिए जिनका वेट ज्यादा होता है वो बोथ लेग्स लेग रेस ना करें शुरुआत करें सिंगल लेग से सिंगल लेग ऊपर लेके आप अप, नाइनटी फुल अप जितना ऊपर ला सकता है वन और जब भी लेग्स आएगी ऊपर तो ब्रीथ आउट ऑन योर माउथ वन 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 कोशिश करनी है मैक्सिमम रेपिटेशन इससे फायदा ही होगा आपका मसल जरूर चलेगा आपकी लोअर बैक सेफ रहेगी क्योंकि आपका वेट बहुत ज्यादा है सेकेंडरी दस बारह रैप मारने के बाद आपको जब लगता है कि यार मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है और मैं दोनों लेग्स एक साथ कर सकता हूं ऊपर तो उसके बाद क्या करना है बस नहीं, नीचे रखो लेग्स हल्का सा नीच बैंड करो ठीक है लेग्स क्लोज ठीक है अब लेग्स को ऊपर लेके आना गर्दन नीचे बिल्कुल फ्री होके सबसे पहले अपनी बॉडी बिल्कुल फ्री रिलैक्स कोई सी तरह का अपर हाँ। बॉडी पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना स्टिफनेस नहीं देना ठीक है, है? ये आ गया ऊपर ब्रीथ आउट नीचे जाओ 60, बस ओके हाँ। अब लोग बाग क्या करते हैं ऐसे कराते, कराते हैं ना ये जरक मारते हैं हाँ। तो इस जरक से कभी भी आपकी लोअर बैक जा सकती है या, कोई आया ना हाँ तो इसको सेफ एंड साइड रखने के लिए ये सब चीजें ना करें देख देख के वन चल टू इतना ही सिर्फ इतना ही बहुत होता है और सिर्फ आप लोगों ने जैसे सुना होगा ना क्रेंचीज, क्रेंचीज मतलब अपर तो ये लोअर क्रंच है लोअर को क्रंच करना है यहाँ से आडा राजवीर बहुत बुरा ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि इससे लोअर ही चलेगा इससे पूरा एब्डोमिनल चलेगा लेकिन बेसिकली जो एक्सरसाइज है जिसकी लोअर पार्ट किया बस रिलैक्स राजवीर तो ये आपको मैंने बताई दो एक्सरसाइज जो कि अपने लोअर एब्डोमिनल की है आ, बिगनर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है और जिन भाइयों का ओवर वेट है वो पहले सिंगल सिंगल लेग से करेंगे जब उनको लगेगा कि हमारी बैक का बेस बन गया तो बोथ लेग से करेंगे ठीक है अब आ जाते हैं क्रंचीज की बारी ठीक है जाने की अपर जैसे कि हम लोग करते हैं तो पे? हाँ, इस पे बेस बनाना है पहले हम करेंगे बेस की ट्रेनिंग फिर थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल की ट्रेनिंग मतलब बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल दोनों पे काम कर रहे हैं हाँ। और ये बहुत ही कंफर्टेबल और ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है जिसको आप घर में भी परफॉर्म कर सकते बिल्कुल, हो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हमारी माताएं बहनें भी कर सकती हैं सब सबके लिए सबके लिए है ना किसी को लगता है मेरा अपर बैली है किसी को लगता है मेरा लोअर है तो आप अपना हाँ। ये वर्कआउट बट ऐस ऐसा भो? भी नहीं है कि आप लोग सिर्फ वर्कआउट कर रहे को, को रिजल्ट नहीं आ रहा हाँ। नहीं आएगा अगर आप डाइट नहीं करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले तो मीठा छोड़ देना जंक फूड छोड़ देना और जो घर में बढ़िया बढ़िया पराठे मक्खन के साथ चल रहे वो भी छोड़ देना वो भी छोड़ देना तभी आपको रिजल्ट आएगा मैडम मनमार भाई चल ठीक है हाँ राजवीर नीज को बैंड कर लेटर है तू रिलैक्स अब अब बात आ जाती है नीज को कितना बैंड करना है ठीक है कोई इतना रखता है इसको भी बैंड बोलते हैं ठीक हाँ, है कोई इतना रखता है हाँ, इसको भी बैंड बोलते हैं ठीक है अब हाँ, नीज को बैंड करना है कितना ए यानी कि आपकी बॉडी का पूरा वी शेप बनना चाहिए हाँ, का ठीक है बन गया हाँ, अब आपको लेटर में कंफर्टेबल है हाँ, क्योंकि देखो जब मैं इसको ऐसे रखता हूं हाँ, तो आप समझो बात को आपको हल्का सा यहां से कंफर्टेबल कम फील होगा अब लेगर रखती है तो आपको कंफर्टेबल लेवल लोअर बैक का कहने का लोअर बैक का कंफर्टेबल हो गया मुझे लोअर बैक को यूज नहीं करना मुझे करना सिर्फ अपर बैक को यूज ठीक हाँ। है हाथ सीधे करो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो भी मेरे भाई करंचिस करते हैं ना अपने गर्दन पे हाथ रख के ना करें हाँ। जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं राजीव करके देखिए करंचिज सर पे हाथ रख रखे हाँ, हाँ फैक्ट हाँ अब ध्यान से समझो एक बात तू क्या फैंक रहा है तो अपनी गर्दन फैक गर्दन, फैक गर्दन है ना हाँ। तो सर्वाइकल जम मर्जी आपको हो जाएगा। सर्वाइकल की बीमारी आपको जम मर्जी ले ले अगर आप हाथ ऐसे रखोगे सेफ रहना है सर्वाइकल की नहीं होनी चाहिए भाई मेरे हो रखे बहुत परेशान ठीक है सर्वाइकल भी हो जाता हाँ। है और इसमें इंजरी होने के भी चांस होते हैं क्योंकि हम ना अपने हाथ से प्रेशर लगाते हैं अपने गर्दन पे गर्दन पे उठने के लिए क्योंकि हमें उठना है ठीक है तो नॉर्मल तरीका है अच्छा सेफ रहने के लिए हाथ से देकर लेग्स अपने नॉर्मल टोज नीचे ठीक है जबरदस्ती नहीं करने जितना आप उठ सकते हो उतना उठो अपने नीज पे टच करो वन टू अब क्रंचेस पूरा क्रंच हाँ. मसल क्यों नहीं हो रहा उसका रीजन है ब्रीथ आउट जब आप ऊपर आते हो ये ये हाँ हाँ बस इतना ही ये बैक नहीं उठनी चाहिए इसके नीचे की ठीक है ये और हाथ को पूरा लेके जाना राजीव हाँ पूरा लेटो हाँ ठीक है तो ये अपर एब्डोमेन ट्रेनिंग हो ट्रेनिंग होगी खासकर बिगनर भाइयों के लिए जिस भाई को लगता है कि यार मैं थोड़ा सा भाई से ऊपर कर लेता हूँ तो उसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूँ जो थोड़े से एडवांस है ना आगे ना फेंकते हाँ। हैं अच्छा ठीक है यानी कि हाँ। ये वाला जॉइंट बिल्कुल सीधा इसके बराबर अच्छा नाइनटी फाइव हो गया ना ठीक है अब इसमें क्या करना सीधे कर हाथ अब इसमें ऑटोमेटिक लोअर कर जम्प है ना हाँ लोअर बैक फिक्स हो गई हाँ ये लोड हो गया अब इसमें जरूरी नहीं हमें ऊपर आना है अच्छा। हमें अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे जाना ताली मार मेरे हाथ नंबर ऊपर ब्रीथ आउट कर एक हाथ नहीं दोनों हाथ मारने चल।, हाँ, चल हाँ चल हाँ अब सिर्फ ये ऊपर के मसल पे आएगा देख ऊपर ही आ रहा बिल्कुल हाँ ये ब्रीथ आउट ऊपर हर रैप में कीमती है ब्रीथ आ, आया ऐसा लगेगा क्रैम्प आ गया ऊपर चढ़ गए ठीक है हाँ तो आप जो भी मेरे भाई बिगनर है तो आप लोग ये ट्रेन करना शुरू करो इसके बाद आप लोग जाना अपना ऐप बोर्ड पर जाओ चाहे आपके पास कैसी मशीन है ट्रेन करने की चाहे केबल क्रंच करते हो कोई भी एक्स वो आप एड ऑन कर दो हाँ ठीक है अब भाई सभी बता देंगे भाई उस जाके कर, जा कर सकते हो उस पर जाके कर सकते हो वो ट्रेनिंग बहुत सारी है इसकी अलग अलग सारी है मतलब बेस आप इससे बनाना हाँ ठीक है एक ट्रेनिंग और बता देता हूँ लेट फ्लोरिंग में आती है लेट तू और इसकी खासियत ये है कि आप घर में भी कर सकते हो किसी तरह की बेंच की जरूरत नहीं है अब इसमें क्या करना है राजवीर एक लेग्स बैंड रहेगी एक लेग सीधी रख स्ट्रेट ठीक है दोनों हाथ पीछे कर ये उन भाइयों के लिए जिनका वेट बहुत ज्यादा है जैसे कि मैंने बताया था सिंगल लेग रेस सिंगल लेग लेग रेस हाँ। इसमें सिंगल लेग लेग रेस विद क्रंचज करना है यानी कि लेग्स को ऊपर लेके आना नाइन्टी हाँ डिग्री तक, तक तो और अपने टोस्ट को हाथों से टच करना है ठीक है चलो ऊपर मिलाना और ब्रिथ आउट हाँ लेग्स को यहाँ ब्रिथ आउट वेरी गुड ये एक्सरसाइज करोगे ना कमाली हो जाएगा मतलब लोअर पे भी और अपर पे 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 भी ब्रीथ आउट रिलैक्स को कर on, चल 90 डिग्री यानी कि हाथ लगाना है काफ़ काफ़ नहीं बॉडी काफ तो अच्छा, हाँ, कर हाँ, से जम्प हाँ ब्रीथ तो आउट हाँ, लो कि राजू जितना प्रोफेशनल लड़के को दिक्कत हो रही है करने में I don't think कि आपको किसी आप बोर्ड की जरूरत है हाँ। या किसी मशीन की जरूरत है अगर आप यही ट्रेनिंग कर लोगे तो बहुत मसल फेल हो है? 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 और बहुत सारी ट्रेनिंग है लेकिन आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे बट यही दोनों पैर उठा सकता तो दोनों भी उठा सकते दोनों के लिए ना जो बिगनर होगा उसकी बैक में इंजरी हो सकती है जैसे कि तू कर मैं बताता हूँ हो सकती है अब ये तो जम्प कराना ना हाँ। तो यहाँ लोअर बैक अटकी पड़ी है बस हाँ। पूरी बॉडी खड़ी है तो अगर बिगनर होगा वेट ज्यादा होगा तो ये करेगा तो होगा ही नहीं पहले हाँ। तो। अगर होगा तो अपनी लोअर बैक से फट लगाएगा बैक से फट हाँ। के चांसेस बढ़ जाएंगे हाँ तो करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं तो ये उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है जो अपना वेट लॉस करने की शुरुआत कर रहे हैं ठीक है वो मशीन पे बैठ जाते हैं करते रहते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं आता ठीक है और अपने घर चले जाते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है आपको मशीन की आप अपने फ्लोर पे अच्छी सी ट्रेनिंग करो बढ़िया से आपको रिजल्ट मिल जाएगा और जब आपका बेस बढ़िया बन जाएगा आप एपोर्ड तो, तो कैसे भी करो कैसे भी मशीन पे करो मसल में एक बार स्ट्रेंथ आ जाती है ना? बस यही कहने का मतलब है हाँ. जैसे कि भाई हम बेंच हाँ. मारते हैं शुरुआत में हाँ. जब हमने शुरू करी थी तो हमने हाँ. पुशअप माननी शुरू कर दी हाँ. ना तो जब हम फ्लोरिंग कर रहे हैं तो हमें ये सॉरी एपडो में ट्रेन कर रहे हैं मशीनों के लिए तो अपने आपको पक्का करना पड़ेगा फ्लोरिंग एक्सरसाइज कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोर स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है हाँ पहले कोर स्ट्रेंथ पे काम करना एक बार कोर स्ट्रेंथ पे काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लटक के लेग रेज मारो चाहे आप बोर्ड करो करो कुछ हाँ। भी एक्स वाई जेड और और तो और मैंने देखा है कि भाई लोग बाग बिगनरी जाते हैं जिम में हाँ। और ये करने के बाद प्लैंक पे लग जाते हैं प्लैंक हाँ। कर रहे हैं हैं प्लैंक कर रहे इन सब चीजों की आप लोगों को जरूरत नहीं है पहले सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है ना यानी कि भाई पेट भरना है तो पहले दाल रोटी खानी पड़ेगी ना है ना सैलेड की तो बाद में बात आएगी ना तो भैया कोशिश पहले ये करो आप लोग कि भैया पहले अपना बेस बनाओ सब चीजों में बेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को पहले बेस बनाना पड़ता है सही बात है ठीक है कायदे से शुरू करते हैं ठीक है पहाड़े से और गिनती से ही शुरू करी भी मैथमेटिक्स आती है तो यही है और तो मार्केट में सब कुछ चल रहा है लाइक सत्तू और इतनी ट्रेनिंग बहुत है अगर हमें नॉर्मल बेस के, के लिए करनी है।, है? है दो मिनट का शुरुआत हाँ कर लो खत्म साइड की दो कर लो ठीक है हाँ दो बता देना साइड की बस बात खत्म चलो

अच्छा ठीक है रोड लेके कर सकते नहीं विदाउट वेट अच्छा कोई नहीं ठीक है क्योंकि लोअर बैक चल रही है इधर इधर हमको आदत ही नहीं हमको है हमको आदत है सीधे चलने की हाँ। अब हमने बॉडी को इधर झुका इधर झुका दे, दे। हाँ, हाँ। ये आदत ही नहीं है और एक बार नहीं झुकाएंगे पच्चीस पच्ची बार झुकाएंगे चार पास हाँ ठीक हाँ। है हाँ जब दो तीन दिन में मुझे लगेगा कि मैं सेट हूँ फिर हमें दोनों हाथों में ले लेना डबल डब्बल लेके आते जो भी कोई हमारा मतलब भाई है या बहन है और या कोई हमारी माता है जिनका वेट ज्यादा है वो साइड में एकदम से ज्यादा करेंगे तो वो पेन भी ज्यादा रहेगा और अगले दिन शायद मनवी नगर तो और गर्ल्स के लिए खासकर मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा डम्बल दिन साइड के साथ साथ आप लेग साइड भी करना शुरू करो उससे हाँ। क्या होता है आपके आपके ग्लूट्स की ट्रेनिंग मतलब इवन आपकी लेग्स आपके साइड्स काफी इफेक्ट पड़ते हैं बताता हुए एक करके लेके ही दो और मैं आपको एक बात बता देता हूँ खासकर उन भाइयों को जो मैंने देखा है अक्सर ना बीस बीस किलो के से साइड मारते रहते हैं साइड में कोई वेट नहीं होता है साइड एक स्किन होती है वाटर होती है उसको जितना हम स्ट्रेच खींचेंगे खींचेंगे वो उतना कम होगी ठीक है तो इसमें वेट मानने की जरूरत नहीं है हार रेपिटेशन मानने की ज़रूरत है ठीक है राजू रिलैक्स वाइट कर शोल्डर से सिर्फ दो दो इंच बाहर और बाहर कर लेक्स लैग्स भार कर भाई बाहर बाहर चौड़ी हैं ठीक है थीके? देख वन जब ये ऊपर गया तो ये नीचे गया ठीक है डंबल को टच करके टू ठीक है और जिसको लगता है मेरा बैक फ्लैप ज़्यादा है ये हो गया साइड के लिए जिसको लगता है बैक फ्लैप ज़्यादा डंबल हल्का सा पीछे चेस्ट बाहर अच्छा हाँ अब चलो दोनों डम्बल पीछे हाँ चला चेस्ट बाहर पीछे ला अब ये बैक पेने लगा अच्छा जो जिसकी पीछे लोअर बैक में ज़्यादा हाँ 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 ओके उसको डम्बल हल्का सा पीछे हाँ ये हाँ और चेस्ट ऊपर की तरफ बॉडी में एक तरफ गिरा के ये अब देख ये जब धीरे धीरे करके करते करते बेस बन जाएगा ना राय उसके साथ बहुत अच्छी अन्न लगेगी हमारे और वेट किस वेट में इसमें ज़रूरत नहीं है सिर्फ रेपिटेशन शोल्डर पीछे बैक के लिए आ, पीछे बॉडी का पूरा वेट पीछे की तरफ और ये बस जिनके आगे है साइड में वो नॉर्मल नॉर्मल साइड करे इसके साथ जैसे क्या करना है जैसे लड़कियां होती हैं काफी वेट हैवी होता है अच्छा ठीक है उन लोगों को क्या होता है लेग्स वेग स्ट्रेंथ कम होती है इसके साथ साथ ना अपनी किसी भी साइड पोल को पकड़े बॉल को पकड़े या जिम में जो भी आपकी दीवार वगैरह अपना हाथ यहाँ रखे लेगे और लेग्स को सीधे लेके जाना है लेकिन अपनी जो साइड से उसको करेंज करना है और हर बार ब्रीथ आउट

ये जब ये करते ना स्ट्रेच होते 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 सब हो जाता है चल तो ये हो जाएगा हमारा जहाँ हमारा ये राइट लेग है हाँ हल्का सा पीछे, पीछे करो बराबरी में इसको हल्का सा पीछे करो जिस लेग से हम करेंगे ठीक हाँ। तो है हो गया ये यहाँ रख और क्रंच कर क्रंच कर नीच को सीधा रख नीज को सीधा रख नीज को सीधा स्ट्रेट और रिलैक्स हल्का सा पीछे की तरफ ये पीछे की तरफ दबा एल्बो दबा ना नीचे ये देख पीछे स्लो दबा दबा यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है आ रहा है ना दोनों जगह कितने के कम से कम से और कितने कितने मतलब मारो, 25 और और मतलब एटलीस्ट दोनों का बना के एक बना एक सेट लो और चार मारो ट में हाँ. कुछ ही दिन में आपको मुझे लगता है दो से तीन वीक में आपको अपनी साइड में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा अच्छा हाँ बट इम्प्रूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा फंडा है जब भी दिखेगा कभी लोग वर्कआउट कर रहे हैं पराठे खा रहे हैं जंक फूड्स खा रहे हैं तो भाई किसी को भी नहीं दिखेगा कभी बोले हम हमें गलत साबित कर देना भैया मार रहे फिर भी नहीं आ रहे तो ये अपनी साइड्स की ट्रेनिंग हो जाती है और फिर जैसे जैसे बेस एक तरह से आपका होम वर्कआउट हो गया चार से पाँच एक्सरसाइज का आप डेली यूज में भी ये कर सकते हैं अगर आप आप जिम भी नहीं जाते नॉर्मल घर में मेरी कोई माता है आपके कोई फादर हैं या आपकी कोई सिस्टर है जो जिम नहीं जाती है नहीं जाना चाहती तो घर में उसको इतनी ट्रेनिंग करा दें थोड़ी बहुत वॉक करा दें या रनिंग करा दें या घर में सीढ़ियाँ होंगी चढ़ना उतरना करा दें जिससे कि कार्डियो हो जाए थोड़ा फैट लॉस में ईजी हो जाएगा दूसरा जब ये ट्रेनिंग करेंगे तो अपने आप जो फैट है वो जाना शुरू हो जाएगा तो तीन से हज़ार ट्रेनिंग फ्लोर की एब्स के लिए और दो से तीन ट्रेनिंग ये कर लेना हमारे साइड्स के लिए मोर देन इनफ है इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ईजी होम वर्कआउट है हमारे टमी को अंदर रखने के लिए मेन मेन चीज़ जो है ना भारत देश में नाइन्टी परसेंट लोगों को ऐप चाहिए नहीं उनको यह कि मेरा टमी फ्लैट रहे बस और मैंने देखा है कि भाई अक्सर हमारी माता बहन नहीं जा पाती है जिम ना फैमिली अलाउंड नहीं करती है किसी का कुछ रीज़न है मतलब सबके पास अलग अलग रीज़न है तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप घर पे आप अपनी ये ट्रेनिंग कर सकते हो आपका जो भी एडोम ट्रेनिंग है यही होती है आप जिम जाओगे वो भी यही कराएंगे हाँ। आपके घर में करेंगे हमने बता दिया आप घर में ये ट्रेन कर सकते हो सिर्फ डाइट करो हाँ थोड़ा सा हमारा वर्कआउट फॉलो करो हाँ। और हम एक ऐसा करते हैं ना पूरा शूट कर देते हैं जो घर हाँ। की ट्रेनिंग का होगा ना कि भैया जो लड़कियाँ घर पे जिसके पास बेंच वेंच भी नहीं है छोटी कुछ कर देंगे ऐसे ऐसे बना देंगे और उनकी उनको भी चाहिए कि यार मेरे को भी कुछ एक्सरसाइज चाहिए घर में ना तो वो रो रूटीन में वो ट्रेनिंग करेंगे ना हाँ, मतलब चार पाँच आठ दस ट्रेनिंग हाँ, और कुछ कोर की और कुछ साइड्स के और कुछ ग्रुप्स हाँ, हाँ, की हाँ, वो रोज़ मरतबा में अपने रूटीन में एड ऑन कर देंगे तो हाँ, उससे बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगा क्योंकि मैं जब पर्सनल ट्रेनिंग होम ट्रेनिंग कराता था तो कई लोगों के घर में सामान नहीं होता था हाँ, तो मैं उनको यही ट्रेनिंग कराता था ऑर्डिनरी ट्रेनिंग से उनको काफ़ी रिजल्ट आता था हाँ और वो डाइट पे भी रहते थे

आप लोगों ने वर्कआउट का तो बता दिया हाँ। डंबल में ऐसे उसमें लेकिन फ्लोर में कैसे करें फ्लोर में जब भी आपकी लेग्स उठ रही है तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो हाँ। तो ब्रीथ आउट करें अपर बॉडी उठ रही है तो ग्रेविटी हाँ। के अगेंस्ट जा रही है तो ब्रीथ आउट करें इन शॉर्ट कह रहे मतलब यह है जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी उस टाइम पे आपको ब्रीद आउट करना है पीछे ज़्यादा टाइम ब्रीदिंग ठीक है तो भाई मैं इसका फटाफट से निपटा निपटालूँ मैंने सोचा क्विक वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और टाइगर भाई को रोक लिया यार टाइगर भाई को भेजा मैं फटाफट वर्कआउट करूँ करो तो उसके मैं? बाद मैं करूँगा आधे पौने घंटे कार्डियो टाइगर भाई थैंक यू सो मच लव यू बाय टेक केयर भाई चलो और दोबारा से वर्कआउट शुरू करेंगे वो भी आपको बता देंगे थैंक यू सो मच लव यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन मैं थोड़ा चक्कर में कोई भी नहीं टक्कर में बाय